हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट हेयर। कैसे हैं आप सब? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही अच्छा व्लॉग, और आपको बहुत अच्छा लगने भी वाला है क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी कुछ मिक्स किया है। अपने पार्लर का भी दिखाऊंगी, अपने घर का भी दिखाऊंगी, और मैंने क्या क्या किया है आजकल ये भी दिखाने वाली हूँ। ये है भैया दूज से अगले दिन से लेकर, और उससे पहले खाटू श्याम जी का भी मेरे पास एक क्लिप थी, मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर दूँ, वो भी है। और मेकअप लुक भी देखेंगे आप इसमें, आई मेकअप लुक, और लॉरियल से कलर भी देखेंगे, स्मूथनिंग का भी देखेंगे, काफ़ी सारी कटिंग भी देखेंगे। बहुत कुछ है इस व्लॉग में जो आपको अच्छा लगने वाला है। तो आप व्लॉग के लिए बोलते हैं मैम हमें अच्छे लगते हैं आपके व्लॉग, मैं इसलिए शेयर करती हूँ, वरना तो मेरे पास बहुत सारी वीडियो हैं पार्लर से रिलेटेड जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। और ये मेकअप लुक मैं आपको नहीं दिखा सकती थी, बट आई मेकअप मुझे अच्छे लग रहे थे, मैंने सोचा चलो शेयर करती हूँ आपके साथ। और सबसे पहले देख रहे हैं पार्लर में क्या चल रहा था इतना टाइम से, ये भी देखेंगे, और मैं कितनी बिजी थी और काफ़ी थकान भी हो जाती है, उसके बावजूद भी मुझे अच्छा लगता है पार्लर में काम करना। तो यहाँ पर चल रही थी साथ के साथ स्मूथनिंग और साथ के साथ कलर, प्रोटेक्टिव सीरम और नॉर्मल सीरम। आप जानते हो जो लेंथ एरिया पर करते हैं वो अलग होता है, और बालों में प्रोटेक्टिव सीरम अलग होता है, दो तरह के सीरम होते हैं। ये कलर लगाने से पहले लगाते हैं, हमें लॉरियल के कलर में हमेशा दिया जाता है, हमारे हेयर को प्रोटेक्ट करता है ये, ताकि हमें कलर से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा सीरम जो यूज़ करते हैं वो हम लेंथ पे लगाते हैं, ताकि वो हमारे बालों को धूप से भी बचा कर रखे और दो मुखे बाल भी ना होने दे। तो इस तरीके से मैंने लॉरियल का बर्गंडी कलर लगा रही हूँ, इनको थोड़ा सा बालों में अपना शेड चेंज करवाना था। और इधर मेरी स्टूडेंट कर रही हैं स्मूथिंग बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर पे, मैंने दोनों के ही वीडियो शूट किए हुए हैं। अगर आप चाहेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर पे आपको स्मूथनिंग दिखा दूँ कि कैसे किया है और कैसा रिजल्ट है, आपने वो तो देखी होगी नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड पर, अगर नहीं देखी है तो वो भी देख लें, काफ़ी अच्छी लगेगी। काफ़ी लॉन्ग लेंथ पे की है मैंने स्मूथनिंग, और रिबॉन्डिंग कैराटीन तो पहले भी किए दी है मैंने आपको, तो वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हेयर कट आ जाते हैं हमारे पास, और क्लाइंट चाहता है कि बहुत छोटी लेंथ चाहिए, तो मैं अपनी स्टूडेंट से ही करवा देती हूँ, क्योंकि बाद में जो मिस्टेक होती है मैं ठीक कर दूँगी। लॉन्ग लेंथ है तो वो भी ट्राई कर लें। तो देख सकते हो ये कट कर रही हैं, अभी इन्हें ज़्यादा आता नहीं है, बट मेरा था कि चलो मैं इनसे कराती हूँ, बाद में मैं ठीक कर लूँगी। लेकिन अगर उन्हें लॉन्ग लेंथ चाहिए होती है तो ऐसा नहीं हो पाता है, बट इन्हें काफ़ी शॉर्ट चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने पहले इनसे करा ली और बाद में फिनिशिंग खुद कर दी इस तरीके से। तो आपको भी अगर लॉन्ग हेयर मिलते हैं तो आप पहले कर सकते हैं, बाद में शॉर्ट कर दें, थोड़ी सी मिस्टेक होती है तो ठीक हो सकती है, ऐसे नहीं कि आप एकदम छोटे कर दें। और इन हेयर पर की है मैंने स्मूथनिंग, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में भी किस तरीके से की है, और ये देख सकते हो ऐसे चल रही थी साथ के साथ। इन हेयर पे कर्ली हेयर है काफ़ी, और इन्हीं पे स्मूथनिंग की है। आप कहेंगे तो पूरा वीडियो दिखाऊंगी, टिकटॉक पे रिजल्ट भी देख सकते हैं, और काफ़ी हेयर फॉल भी हो रखा है इनके, बहुत अच्छे बाल थे पहले, बट हेयर फॉल के कारण थोड़े पतले हो जाते हैं और कर्ली होते तो अच्छे नहीं लगते। वेडिंग है इनकी भी 19 नवम्बर की, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे करने के बाद। और स्ट्रेट हेयर कट था थोड़ा सा, नीचे वॉल्यूम नहीं है बालों में तो स्ट्रेट में थोड़ा सा बच जाता है, ये भी मेरी स्टूडेंट ही कर रही हैं। लगता है मुझे अगर ऊपर मैं कर सकती हूँ या इतनी लेंथ पे वो अच्छे से कर सकती है तो उनसे भी करवा लेती हूँ, ताकि उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए, उनको आ जाए। और ये मेरे पास खाटू श्याम जी की क्लिप पड़ी थी, हम करवा चौथ के नेक्स्ट डे जागरण था, और जागरण के नेक्स्ट डे हम खाटू श्याम जी गए थे, रात को 10 बजे निकले थे, मैं, मेरी सिस्टर, मेरी बड़ी जेठानी, पहले मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे, बट मैं, मुझे लगा इन दोनों के साथ जाना चाहिए, मैंने फोर्स किया दोनों को, तो काफ़ी अच्छा लगा हम चारों को। ये श्याम कुंड है, बहुत अच्छा है, और आप कभी यहाँ आते हैं खाटू श्याम जी तो श्याम कुंड में ज़रूर होकर जाएँ, बहुत अच्छा लगा था। मुझे भी पहले ये लगा रहा था, मुझे भी मैं होके नहीं जा पाऊँगी, बट मैंने बहुत जिद की कि हम चलेंगे साथ में। ये मेरी जेठानी और सिस्टर नीचे देख रहे हो श्याम कुंड में गई हुई है, वो खड़ी हुई है, और अगले दिन शाम को 5 बजे तक आ गए थे हम वहाँ से। ये फेशियल किया है मैंने O3+ का, आपको दिखाऊंगी अपनी वीडियो में। और भैया दूज पे गई तो भैया दूज का कोई वीडियो मैंने शूट नहीं किया, मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली थी, वहाँ पर पता चला मेरी सिस्टर ने फंक्शन रखा है। पिछले दिसंबर में मैंने आपके साथ जो वीडियो अपलोड किया था यहाँ पर, व्लॉग अपलोड किया था, तो उन्हीं सिस्टर के घर बेटा हुआ है, यानी हमारी बहू के बेटा हुआ है, और कुआ पूजन था। कुआ पूजन आप जानते ही हो कि बेटा होता है उसके बाद करते हैं, बट आजकल कुएं तो रहे नहीं, तो मंदिर में जाके नल को ही पूछते हैं। और सुबह मॉर्निंग में ही निकल गए थे काम, तो ये है मेरी सिस्टर की दोनों बहुएँ, ब्लू साड़ी में बड़ी वाली हैं और साथ में ग्रीन साड़ी में छोटी, साथ में प्रिया बैठी हुई हैं और मेरी भतीजी सो रही हैं पीछे। प्रिया को बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, इन्होंने इन्हीं का बेटा लिया हुआ है गोदी में। और ये है मेरी बड़ी सिस्टर, साथ में दूसरी बड़ी सिस्टर, हम 9 सिस्टर हैं, तो 3 सिस्टर यहाँ पर भी मिस थी, और 3 सिस्टर भैया दूज पे भी नहीं आई थी, वो थी मेरी बड़ी सिस्टर की बहू। मेरी 2 बड़ी सिस्टर ने चारों बेटों की शादी कर दी है, अब मेरी ही बारी है ताकि मैं प्रिया की कर पाऊँ। और ये है छोटे वाली बहू, काफ़ी
खुश हैं, काफ़ी काम भी करी हैं और 1 मंथ ही हुआ इनका बेटा हुआ हुआ। और ये है मेरी सिस्टर की बहू, और ये देख सकते हो साथ में मेरी छोटी सिस्टर है, इनका भी चैनल आप देख सकते हो, रेनू ब्यूटी टिप्स है इनका, काफ़ी अच्छे वीडियो देती हैं ये। और हम यहाँ पर, हम मॉर्निंग में जल्दी नहीं आए थे, लेट हो गए थे थोड़े। ये मेरी भाभी ब्लू साड़ी में और दूसरी थी कज़न ब्रदर की वाइफ ग्रीन साड़ी में, और ये मेरी भतीजी मनाली से रात को ही आई है, बट हमें फंक्शन में बहुत अच्छा लगता है एक साथ जाना, इसीलिए मैंने भी कैंसिल नहीं किया। और हम लेट हो गए थे थोड़ा, 12-1 बजे पहुँचे थे, उसके बाद हमने खाना वाना खाया, फिर कुआ पूजन के लिए निकल लिए। तो आजकल कुएँ तो है नहीं जैसा मैंने आपको बताया, तो हम मंदिर जाएंगे। और ये बहू है साथ में, हमने सिर पे रखा हुआ है कलश, बहुत खुश थी ये और हम सभी काफ़ी खुश थे कि चलो आ गए हैं, मिल गए हैं, काफ़ी सिस्टर इकट्ठे मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हम मंदिर में आए हैं तो कुएँ की जगह हम नल को ही पूजेंगे और उसके बाद थोड़ा डांस वांस होगा। मेरी 3 सिस्टर नहीं है यहाँ पे, हम काफ़ी मिस कर रहे थे उनको, किसी वजह से वो आ नहीं पाई हैं। मैंने जो मेकअप किए थे मेरी स्टूडेंटों ने, उनकी कुछ क्लिप है, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ, बट अभी थोड़ा सा और ज़्यादा वीडियो है मेरे पास, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। और ये देख सकते हो मैंने वहाँ से आने के बाद थोड़ा फीवर हो गया था, थकान भी हो गई थी, तो मेडिसिन वगैरह ली, थोड़ा रेस्ट किया और शाम को किए 2 मेकअप, काफ़ी अच्छे मेकअप थे, बट मैं यूट्यूब के लिए वीडियो नहीं कर पाई हूँ इनकी। आप देखना चाहते हैं फुल इनका पूरा लुक तो मेरे टिकटॉक पर देख सकते हैं। ये है आई लुक, एक का और एक का वलीमा मेकअप था, एक का ब्राइड मेकअप था, दोनों के किए हैं, ये देख सकते हो। ये वलीमा के लिए किया था, काफ़ी सिंपल आई लुक है लेकिन बहुत अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप आपके साथ शेयर करूँ। आप देखना चाहते हैं दोनों के लुक तो देख सकते हैं, उन वहाँ पर पूरा है और क्रायलॉन और HD मिक्स किया है मैंने, काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पर देख रहे हैं मुझे अपनी टाइलें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया ताकि न्यू वीडियो में कुछ ग्रीन ग्रीन सा लगे। और मैंने पहले लगवाई थी बट मुझे उनका भी काम अच्छा नहीं लगा था, मुझे बहुत कम पसंद आता है किसी का काम करना, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा खुद ही चेंज करके देखती हूँ। प्रिया ने मंगवाई थी मेरे लिए फ्लिपकार्ट से। और ये बैंगन आप देख रहे हो, ये मेरे पौधों के ही बैंगन है, बहुत शौक है मुझे अपने पेड़ पौधों का। गन्ने लगाए हुए हैं, सेम की फलियां लगाई हुई हैं मैंने, घिया की बेल लगाई है, बैंगन लगाए हैं और मिर्ची हैं, टमाटर है, काफ़ी कुछ लगाया है मैंने अपनी छत पे ही। और टाइम मिलता है तो बहुत केयर करती हूँ, अपने को टाइम ना दूँ लेकिन पौधों को देती हूँ। और ये है मेरी रिया, आपने मेरी प्रिया के हेयर तो देखे होंगे, काफ़ी लॉन्ग है, मेरी दोनों डॉटर के हेयर बहुत ही अच्छे हैं। और प्रिया को थोड़े से ट्रिम कराने थे तो मैंने हल्के से वी शेप में किए, मूजर से किए हैं, और हल्का सा ट्रिम करना चाहते हो क्योंकि बालों का अगर हम ट्रिम नहीं करते हैं तो वो 2 मुखे होते जाते हैं, तो हल्का सा इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने वी शेप में ही किया है और लाइट से ही निकाला है, लाइट से भी हेयर निकालते हैं तो भी लुक चेंज हो जाता है हमारा। और ये मैंने लगाया हुआ है अपराजिता का पौधा, आप सोच होंगे कि ये मैंने इस पर कोई लाइटें लगाई हुई हैं, लाइटें नहीं है, अपराजिता के पौधे पर इसी तरह के फूल आते हैं, बहुत अच्छा होता है, मॉर्निंग में इसके 5 पत्ते खा सकते हो, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मैंने बहुत ही जोर तोड़ के बनाया है ये छोटा सा ब्लॉग क्योंकि आपको अच्छे लगते मेरे ब्लॉग, और कुछ नया नया लेके आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छा लगे अगर ब्लॉग तो मुझे कमेंट भी करना और बताना भी आपको क्या अच्छा लगे। और न्यू वीडियो के साथ मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू, तब तक के लिए।